नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दीन बंधु छोटूराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं इस कॉलेज का पूरा रिव्यू करके आपको बताऊंगा, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, प्लेसमेंट्स, और लास्ट में ये भी बताऊंगा क्या आपको इस कॉलेज को छोड़ के YMCA फरीदाबाद जाना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीन बंधु छोटूराम कौन थे जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। पंजाब स्टेट के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पे अब इस कॉलेज का नाम रखा गया है। इसको स्टेब्लिश किया गया था 2006 में। उससे पहले इसको दीन बंधु छोटूराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया 2006 में। कैंपस इसका मुरथल सोनीपत में नेशनल हाईवे पर ये स्टेब्लिश है। एरिया इसके 273 एकड़ है। ISMT दिल्ली से 50 किलोमीटर पड़ती है और सोनीपत मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। चांसलर इसका गवर्नर ऑफ हरियाणा होते हैं। एडमिशन इसमें आपका JEE Main के थ्रू होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी 1000 रुपए होती है। तो आपके कॉलेज में जाके आपको एक फॉर्म भर देना होता है, फिर आपकी JEE Main के थ्रू आपको आप पता चलता है कि आपका एडमिशन इसमें हो रहा है या फिर नहीं। 75% अटेंडेंस इसका स्ट्रिक्ट अटेंडेंस का क्राइटेरिया। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 45,000 पर ईयर इसकी फी है। हॉस्टल की आपकी फीस नहीं लगती है। आप ये हॉस्टल देख सकते हैं। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन फिर भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और हरियाणा में मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा स्टेट। अब इसकी कोर्सेज की बात करते हैं तो आपके कोर्सेज आप देख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। फैसिलिटीज की बात करें तो वाईफाई आपको अच्छा मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बहुत अच्छी मिलती है। अगर हरियाणा की बात करें, वैसे भी हरियाणा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नंबर वन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई है। मॉडर्न लाइब्रेरी, हॉस्टल मैच में अच्छा खाना मिलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको कॉम्प्लेक्स नाम सुन के ऐसा लग रहा हो काफी अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इतना कुछ वहां पर खास नहीं है। एवरेज फैकल्टी है, इतनी अच्छी फैकल्टी भी नहीं है। बच्चे थोड़े से नाराज थे फैकल्टी के बारे में। हॉस्टल फैसिलिटी उन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है जिनका घर 30 किलोमीटर के एरिया के अंडर है। इस यूनिवर्सिटी की जो आसपास 30 किलोमीटर एरिया में रहते हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। कैंटीन है, जिम है, उसका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है, टेनिस अकेडमी है जिसमें एक सिंथेटिक कोर्ट है, 4 प्ले कोर्ट है और ग्रास कोर्ट है, मतलब तीनों टाइप के कोर्ट है यहाँ पे। क्रिकेट ग्राउंड है आपका अच्छा, पैवेलियन वगैरह बना रखा है इन्होंने, फुटबॉल ग्राउंड और एथलेटिक कोर्ट भी। एथलेटिक कोर्ट मेरे को पता नहीं है कि सिंथेटिक है या फिर क्ले मिट्टी का है, तो ये मेरे को इतना कन्फर्म नहीं पता। 4 बास्केटबॉल कोर्ट है और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है। मतलब मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा है। आपको एक ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसको कॉलेज से फिर इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा इसको डेवलप किया है ताकि दिल्ली के आसपास के बच्चे यहाँ पर आए और ये यूनिवर्सिटी थोड़ा नाम कमाए। एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा। और अगर दिल्ली की बात करें, IIT दिल्ली DTU को छोड़ के काफी अच्छा इसका कैंपस है। प्लेसमेंट इसका एवरेज है, एवरेज जो इसका पैकेज लगता है वो 3.6 लाख के आसपास लगता है। और हाईएस्ट पैकेज पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है। तो और बेस्ट प्लेसमेंट इसका CSE के अंदर ही है। अगर आप मैकेनिकल वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यार थोड़ी सी और अच्छी तैयारी करो और JEE Main क्लियर करके अच्छी कॉलेज में जाओ, क्योंकि या फिर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं अगर आप और कोई ब्रांच लेना चाहते हैं दिल्ली। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में मत जाना अगर आप मैकेनिकल वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा। CSE का एक प्लेसमेंट बढ़िया मिल पाता है। यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ग्रो कर रही है और ये कंपनीज को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कंपनीज को लाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कंपनीज अभी भी आ नहीं रही है इस यूनिवर्सिटी में। तो मैं कहूंगा कि CSE लेना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे जाना, वरना आप किसी और यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना। मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मैकेनिकल वगैरह में काफी अच्छी है IIT को छोड़ के। आगे आने वाली वीडियोस में तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसका YMCA से कंपैरिजन करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को DC रस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपको बढ़िया कैंपस चाहिए तो आप, मैं कहूंगी आप DC रस्ट में जाइए। अगर आपको बढ़िया वीकेंड चाहिए, अगर आप वीकेंड्स के ज्यादा घूमने के शौकीन है, तो मैं आपको कहूंगा YMCA फरीदाबाद जाइए, क्योंकि वो दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूर पड़ती है। तो आप YMCA में जाइएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बढ़िया वीकेंड की लाइफ मिलती है, बढ़िया आप बाहर जाके घूम वगैरह सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हो। और आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं कहूँगा YMCA। एवरेज पैकेज तो दोनों का लगभग बराबर रहता है, YMCA का 4-4.5, इसका 3.5 से 4 के बीच में रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज्यादा जो हाईएस्ट पैकेज है वो YMCA का काफी ज्यादा है DC रस्ट के कंपैरिजन में। तो यार आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।